निशान जी, सबसे पहले तो सारी सारे हिंदुस्तान की आवाम को बहुत ही शॉक लगा है जब से आप बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हर कोई कह रहा है। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? आपको बिलीव हो रहा है? मुझे इनिशियली सच बताऊं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि मेरी इविक्शन जब हुई तो वो ऑडियंस के वोट्स के बेसिस पे नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी. सलमान सर ने बोला था, और ये जग जाहिर बात है कि बिग बॉस एक शो जनता का शो है. ये हाउसमेट्स के बीच का शो नहीं है कि आपस में लड़ो, आपस में इविक्शन करो. बिग बॉस का शो है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ इंडिपेंडेंट, बिना किसी का सपोर्ट मांगे भी अगर खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जज करने वाली है हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की जनता जो वोट करेगी आपके नॉमिनेशन के बाद. वोटिंग जब हुई मेरे बीच में, कविता के बीच में, रुबीना जासमिन के बीच में, तो मेरे सेकंड हाईएस्ट वोट्स थे. ऐसा मुझे पूरा स्टेटिस्टिक्स मैंने देखा है, लाखों वोट्स मेरे सपोर्ट में आए हुए थे. लेकिन फिर भी इविक्शन जब होने वाला था मेरा, तो घर वालों ने आपस में ही 7-8 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम निशांत को यहाँ से बाहर करते हैं. ऑब्वियसली क्योंकि मैं उनके लिए एक फिजिकली भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हूँ घर के अंदर, क्योंकि मैं हर टास्क में फिजिकली सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था. झगड़ों में, कभी कोई घर के मुद्दों में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही के साथ होता था. कभी ये नहीं होता था कि मैं बायस्ड होके किसी का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे उसके साथ एक रिश्ता बना के चलना है नकली सा, कि आगे जाके थोड़ी ग्रुप बन के रहे. मैंने हमेशा इंडिपेंडेंट खेलने की कोशिश करी. मुझे, मैं उन लोगों के साथ ही बैठा जो मुझे सही लगे, जो मुझे लगा फेयर खेलना चाहते हैं, सही तरीके से खेलना चाहते हैं, जिनके खून में दगाबाजी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मैंने बैठने की कोशिश करी. लेकिन ये सारी जो मेरी अच्छाई है, जो मेरी मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाई है, मेरी मॉरल वैल्यूज जो है, ये मेरे खून में है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. और अगर इनको हारना पड़ता ये शो में आगे जाने के लिए, तो वो विक्ट्री मेरे लिए बेकार होती. तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि मैं, कुछ भी हो गया, मैंने अपनी अपनी पर्सनालिटी को नहीं खोया. मैंने अपने आप को उस लेवल पे नीच तरीके से नहीं गिराया जैसे बाकी लोग इस वक्त घर में आप देख रहे हैं गिर रहे हैं और गिरा रहे हैं एक दूसरे को. तो मैं जिस इज्जत, जिस प्यार के साथ घर में गया था, बाहर आने के बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑडियंस, जनता, मीडिया, आप लोग सब मुझे सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप लोगों को मेरी जर्नी कितनी डिग्निफाइड लगी, कितनी रिस्पेक्ट मैंने अर्न करी है लोगों की नजरों में, बाय नॉट फॉलिंग टू चीप लेवल्स. एंड आई थिंक मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने अपने आप को भी ये साबित कर दिया कि मेरे सामने कितना ही बड़ा लालच हो, कोई ट्रॉफी हो, कोई भी पैसा हो, कुछ भी हो, मेरे माँ बाप ने जो मुझ में, मेरे खून में जो एक एक मॉरल्स डाले हैं, जो एक सही गलत की पहचान डाली है, एक फेयरनेस, एक राइचियस एटीट्यूड डाला है, वो नहीं हिल सकता, वो मेरा स्ट्रॉन्ग है. सो आई थिंक अगर मैं बिग बॉस के घर में फिट नहीं हुआ तो आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि बिग बॉस जैसी जगह मेरे लिए नहीं है. मेरी जगह बिग बॉस के क्राउड से काफी बेहतर क्राउड के बीच में है. बिग बॉस के घर वालों का ऐसा कहना है कि निशांत यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग किया, अपने आप को फेक प्रेजेंट किया। आपने भी सुना होगा इस बात को, सो कैसे देखते हैं बहुत आप? बड़ा सुना है, पर होता क्या है ना, जब सारे लोग वहां पर इतने घटियापन पे उतर आए थे कि उनको लगा कि यार जब हम सब इतने घटिया बन रहे हैं, इतने चीप हो रहे हैं एक चीज को जीतने के लिए, तो हम सब में अभी भी एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो इतना क्लासी है, इतना डिसेंट है, इतना सही गलत के हिसाब से चल रहा है, इतना फेयर है, उसको लालच क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं अपने आप को छोड़ के जमीन पे गिर रहा हमारे साथ. तो क्योंकि ये सब लोग इतने घटिया चीप हरकतें बातें कर रहे थे वहां पर, मैं नहीं कर रहा था, इसलिए उनको लगा कि ये क्योंकि हम सबसे अलग दिख रहा है तो डेफिनेटली नकली होगा, क्योंकि हम सब अगर घटिया हैं तो ये घटिया क्यों नहीं हो रहा, वो वाली बात थी. बट मेरे जितने लोग, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, मैं जैसा हूँ वैसा था, वैसा ही रहा, और मुझे कोई गम नहीं है कि अगर मेरी मेरी असली पर्सनैलिटी, मेरी डिसेंसी, मेरी क्लास की वजह से वो लोग मुझे सह नहीं पाए घर में और उनको मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि वो डर गए, उनको थ्रेट लगा मैं बहुत बड़ा कि आगे जाके ये ऑडियंस के दिलों को भी जीत जाएगा, क्योंकि हम सब चीप हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा किसी भी वजह से, नहीं हो रहा. सो बिग बॉस के घर में अभी भी जो है एजाज खान है, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? हाँ, एजाज पागल, ही इज साइको. मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपसे और सबसे कि पहले 2 हफ्ते में एजाज ने 2-3 बार मेरे पास आके ये बोला, जब हमारी नई नई बातचीत घर में शुरू हुई थी, कि यार निशांत, मुझे ना कभी कभी ना ऐसा विजन आता है कि ना यार सब लोग सो रहे हैं घर में रात को बिग बॉस के,
और मैं चाकू लेके जाता हूँ बेडरूम में, किसी के बेड पे छाती पे बैठ के चाकू मारता हूँ और खून मेरे मुंह पे आके घटता है सारा। मैंने कहा, उस वक्त मैंने सोचा कि ये आदमी शायद कैमरा के लिए एक्टिंग कर रहा है, जबरदस्ती की बकवास कर रहा है कि उसको लग रहा है शायद फोकस आ जाएगा, ये ऐसी अजीबोगरीब बातें करेगा तो लोग देखेंगे। बट नहीं, उसका दिमाग एक्चुअली में डिस्टर्ब्ड है, ही इज अ साइको। उसके खून में सिवाय झूठ, फरेब, चीटिंग, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। वो इस वक्त भी क्या कर रहा है, उसके सारे झगड़े पवित्रा के साथ नकली होते हैं। उनको पता चल गया है कि हम आपस में, हमारे को फुटेज मिल रही है, तो चलो हम इसको बड़ा चढ़ा के लड़ाइयां करें, फिर प्यार भी हम नाटक करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं। अपनी खुद की स्टैंडिंग पे वो आदमी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रखता, इसीलिए जब उसको कैप्टन बनना था तो उसने रेड जोन के 4 ऐसे लोगों को चुना अपनी टीम में आने के लिए जो किसी को नहीं पसंद है, जो किसी के नहीं है, जो सबसे बड़े धोखेबाज घर में सबने नॉमिनेट करके डाल दिए थे रेड जोन के अंदर, क्योंकि वो सबके सब दगाबाज है। इस आदमी के अंदर इतना डर था शो में आगे ना जाने का कि उसने उन 4 दगाबाजों की फौज बना ली अपने साथ, पवित्रा, निकी, जान और राहुल की। और अब आने वाले समय में, और ऑलरेडी आप देख भी रहे हैं पवित्रा के साथ क्या हो रहा है, उसको यही लोग, क्योंकि ये किसी के नहीं है, ये सब धोखेबाज है, ये सब उसी को काटेंगे और उसी को बाहर निकालेंगे। कैप्टेंसी की भी मैं बात करूंगा निशान जी, लेकिन इससे पहले अगर आप बता सके, पवित्रा कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? पवित्रा जैसी औरत मैंने कभी ना देखी है, ना मेरी बात हुई है, ना मेरी इंटरेक्शन हुई है इस तरह की औरतों से। इतनी क्लासलेस इंसान मैंने पहली बार देखी है। एक लेडी के मुंह से इस तरह की भाषा निकलना, इस तरह का बात करने का लहजा, इस तरह से चिल्लाना बेकार की बातों पे, मुझे कई बार लगता था कि मैं बिग बॉस के घर में नहीं, किसी चौल में रह रहा हूँ, जहां एक औरत की आवाज आ रही है जो सिर्फ चिल्लाती है और गालियां देती है लोगों को, और गंद से गंद बकती है। टेलीकास्ट में ज्यादातर शायद आप नहीं देख पाते होंगे ज्यादा, लेकिन वहां रहने से मुझे पता चला कि ये औरत बिल्कुल ऐसी फीलिंग देती कि आप किसी चौल में रह रहे हो किसी के साथ। कुछ भी हो जाए, छोटी सी छोटी बात पे उसकी आवाज जाएगी एकदम टॉप फ्लोर पे चिल्लाने के लिए, और साथ में गालियां और गंद, मतलब गंद से गंद बकवास करती है। तो ऐसे लोगों को मैंने कभी डील ही नहीं किया। मतलब मैं, मेरा सर्कल, मेरे दोस्त, मेरे काम के लोग, मेरे कॉलीग्स, दे आर ऑल सच डिसेंट क्लासी पीपल, की ऐसे लोगों को तो मैं मतलब खड़ा भी ना रखूं अपने आसपास, ऐसे लोगों को मैं दूर से भगा दूं। लेकिन अब वहां मेरी मजबूरी थी उस घर में रहना लोगों के साथ, तो क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबके साथ तमीज से रहता हूँ, लेकिन दोस्ती बातचीत उन्हीं के साथ करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, और इनमें से मुझे कोई भी इंसान ठीक नहीं लगा, सबके सब मतलब घटिया टू अनदर लेवल। जान, और मैंने आपके देखा जब स्टार्टिंग में बहुत ही गहरी, ऐसा लग रहा था कि आप और जान बहुत ही गहरे मित्र हैं, लेकिन आखिरी में हमने उनके साथ भी आपका देखा। जान दोस्ती के नाम पे धब्बा जो टर्म हमने सुना है, वो जान परफेक्ट रिप्रेजेंट करता है उसको, क्योंकि वो एक सांप है। आपने अगर सांप को पाला है, सांप को दूध पिलाया, तो वो आपको डस लेगा एक दिन। वो हुआ मेरे साथ। जान मेरे पास आया था इनिशियली ये बोल के कि आप में मुझे एक बड़ा भाई दिखता है, आप मुझे गाइड करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे को डिप्रेशन सा फील होता है, मैं एंग्जाइटी फील करता हूँ, निक्की की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी बहुत इंसल्ट होती है, बहुत लोग मेरे बारे में बकवास करते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे क्योंकि मैं बात करके हल्का फील करूंगा। मेरा छोटा भाई जो रियल में छोटा भाई है, वो भी सेम एज का है, 26-27 साल का, तो मुझे कहीं ना कहीं एक तरस आया, एक कनेक्शन सा फील हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे को एक कंधा चाहिए एक बड़े भाई का तो मैं देने को रेडी हूँ। और मैंने उसको पूरी शिद्दत से, लॉयल्टी से निभाने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे खून में लॉयल्टी है, मेरे खून में दगाबाजी नहीं है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्योंकि भरोसा किया जान पर, वो मेरी गलती थी, आई रिग्रेट इट, क्योंकि जान एक नंबर का चीटर और धोखेबाज है। उसको ये चाहिए था कि मुझे निशान से दोस्ती करनी है क्योंकि उसके साथ मुझे फायदा होगा, और मुझे निकी के साथ भी रहना है क्योंकि निकी के साथ मैं कुछ रोमांटिक अफेयर वगैरह कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ घर के अंदर। तो ये सारा का सारा जो गेम खेला उसने, वो शायद उसको भी नहीं पता कि वो खेल रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे खाली भी है, वो अपने दिमाग से नहीं चलता, उसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उसको बस कान में निक्की फुसफुस करके कुछ ना कुछ समझाती रहती है, और वो एक पेट डॉग की तरह उसको फॉलो करता है हर जगह पे, पालतू कुत्ते की तरह वो उसके पीछे पीछे घूमता है, वो उसको लात मारती है, उसको गाली देती है, उसको भगाती है, फिर भी वो वहीं बैठा रहेगा एकदम, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब उसको I genuinely feel sorry for his parents, कि वो ये सब देख के क्या फील कर रहे होंगे कि उनका बेटा कर क्या रहा है, ऐसा मतलब नौकरों टाइप बिहेवियर, मतलब ऐसा सर्वेंट टाइप बन के घूम रहा है निकी के पीछे, शर्म आनी चाहिए उसको।
और उसने मेरे सामने निकी की बातें, निकी की बुराई करते वक्त अपनी माँ की कसमें खाई है कि मैं निकी के साथ जो भी मेरा फ्रेंडशिप का जो चल रहा है ढोंग में खत्म करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट इट, आई हैड इनफ। उसने माँ की कसम झूठी खाई है, उसने एक भाई को धोखा दिया। ऐसा आदमी जिसकी कोई स्पाइन नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, उससे उससे क्या उम्मीद रखना यार। कैप्टनसी की आपने बात कही, कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने कहा कि आप जब कैप्टन थे, कैप्टनसी आपने अच्छे से नहीं निभाई, जब क्योंकि आपने जो मुद्दे रखे वो उतने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया आपने, आप मानते हैं इस बात को? दोबारा बोलिए आपका सवाल, थोड़ा नेटवर्क में नहीं सुनाई दिया मुझे। कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने कहा कि आपने कैप्टनशिप जो है अच्छे से नहीं किया, आपने जो मुद्दे उठाए, आप मानते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि यार मैंने बिग बॉस बहुत ज्यादा देखा नहीं है। मैं बिग बॉस बचपन से देखता आया हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मुझे जब ये शो ऑफर हुआ, मुझे लगा एक्साइटिंग है, रियलिटी शो है, जाना चाहिए, एज एन एक्सपेरिमेंट आई शुड गो एंड सी कैसा लगता है वहाँ पे उस दुनिया में। तब मैंने थोड़ा बहुत 13 देखा, लेकिन बिग बॉस में कैप्टन क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती है, उसके क्या राइट्स होते हैं, मुझे वो नहीं पता था। तो जब मैं कैप्टन बना तो मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे हर बार बिग बॉस कोई भी कार्य या घर में कुछ भी होता है तो बिग बॉस एक फाइल भेजते हैं जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये कार्य इस प्रक्रिया से होगा, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। तो मुझे लगा मैं पहला कैप्टन हूँ बिग बॉस 14 का, पहला घर का कैप्टन बना हूँ, तो मुझे भी बिग बॉस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि मैं पहली बार बना हूँ, पहला बना हूँ। और मैंने कैमरा में बोला भी बिग बॉस को कि एज योर कैप्टन आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आप प्लीज कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे समझना है कि मेरी ड्यूटी क्या है। बन तो गया हूँ कैप्टन, लेकिन ड्यूटी क्या है मेरी ये तो बताओ। बट वो ड्यूटी की लिस्ट कभी आई नहीं मेरे पास। और जितने लोग वहां पे एक्सपीरियंस्ड बिग बॉस वॉचर्स व्यूअर्स थे, जो बिग बॉस चार्ट के आए थे, लाइक निकी लंबोली एंड ऑल, उनको पता था कि क्या क्या गलतियां निशांत से करवा सकते हैं। तो पहले वो रेड जोन में भागी, उसको पूरा पता था कि मैं जाऊंगी जान भी पीछे आ जाएगा, तो दो बड़े बड़े फाउल हो जाएंगे। उसके बाद कैसे कैसे करके उसको बाहर निकाला मैंने। अगले दिन फिर कभी कोई बिना माइक के घूम रहा है, कभी कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, जो कि मुझे लगता था कि बहुत हल्की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीनियर्स के सामने जब ये चीजें होती थी तो उन्होंने फिर क्योंकि सीनियर्स के सामने जब ये चीजें होती थी कि बिना माइक के कोई घूम रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो सीनियर्स ने बड़े हल्के में लिया उस चीज को। तो मुझे लगता था कि ये भी बड़ी हल्की सी बात है, ये शायद कैप्टन का काम नहीं है, ये बिग बॉस की एक अनाउंसमेंट आ जाती है रिकॉर्डेड सी कि भाई अपना निशांत माइक पहन लो, रुबीना माइक पहन लो, जान माइक पहन लो, ऐसा आता है। तो मुझे लगा वो आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। बट उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रैप मेरे लिए रखा गया वो निकी और जान अगेन ने मिलकर रखा। इसलिए मैं कहता हूँ लड़का सांप है, क्योंकि उन दोनों को पता था वो क्या बात करने आ रहे हैं मुझसे। निकी और जान दोनों बिग बॉस पूरा देख कर आए हुए हैं, उनको एक एक चीज पता है बिग बॉस शो के फॉर्मेट के बारे में। फिर भी वो मेरे पास मुझे बुलाए, मेरे साथ बैठे और उन्होंने राहुल की बातें शुरू करी, वहां से कैसे नॉमिनेशन में घुसे, और एक दो बातें मैंने भी बोल दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मुझे ये बात रियलाइज ही नहीं हुई कि एज अ कैप्टन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता हूँ नॉमिनेशन के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फाउल होता है। तो ये बात भी हुई मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरी कैप्टनसी मेनली गई। लेकिन इसका फायदा पूरे घर को ये हो गया कि निशांत की कैप्टनसी जब जा रही थी तो बिग बॉस ने एक एक रीजन बताया कि ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, जिसकी वजह से सबको समझ में आ गया कि भाई अब अगर कोई भी कैप्टन बनेगा तो किन चीजों का ध्यान हमें पूरा रखना पड़ेगा। तो आई बिकेम लाइक एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी इन द हाउस। अब आपने देखा होगा कि एजाज कैप्टन है, तो मेरे सामने की बात है। हाँ जी, तो कैसे देखते हैं आप उनकी कैप्टनसी को? जैसा कि मैंने आपको बोला, एजाज कैप्टन बने ही चार धोखेबाजों के कंधों पर खड़े होके हैं। उनको पता है ये बात कि उनके खुद के बस की नहीं थी कि वो कैप्टन बनते, ना उनको घर में कोई बनाना चाहता था, पूरा घर अगेंस्ट था। सबको लगता है कि एजाज एक पागल आदमी है, साइको है, उसका कोई भरोसा नहीं है, और वो बिहेव भी वैसे ही करता है। ही बिहेव्स लाइक अ साइको बिकॉज ही इज अ साइको। कोई नहीं चाहता था कि वो कैप्टन बने, लेकिन उसने चार रेड जोन में जो चीटर्स पूरे हमारे बिग बॉस फैमिली के जो चार सबसे बड़े चीटर्स को हमने रेड जोन में डाल दिया था, उसने उनके साथ जाके डील करी कि मैं चार फेयर बंदों को अंदर डाल दूंगा लेकिन तुम चारों को बाहर निकाल दूंगा अगर मौका मिला तो। और वही हुआ। तो उसने बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जिसका भुगतान वो आगे जाके खुद ही करेंगे डेफिनेटली। सो निशांत जी, अब आप घर से बाहर आ गए हैं, सो क्या फॉलो कर पाते हैं आप इन दिनों, देख रहे हैं आप बिग बॉस? मैं बिग बॉस ज्यादा फॉलो आजकल नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले पुराने एपिसोड्स पे कैचअप करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं पता चली उस घर में रहते वक्त लोगों की सच्चाई के बारे में। लेकिन जितना हो सकता है मैं सोशल मीडिया के थ्रू टच में रहता
बताऊं कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है. जैसे अभी जैस्मिन कैप्टन है, अली आ गया घर के अंदर, ये सब बातें मुझे पता चली है. पवित्रा एजाज का फिर एक नकली लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ है जो वो लोग करते हैं कैमरा के लिए, ये सब बातों पर मैं ध्यान रखता हूँ. चलिए अगेन, अगर निशांत जी आपको मौका मिले तो क्या आप बिग बॉस के घर में जाना चाहेंगे या दूरियां बनाए रखेंगे कि नहीं 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 जाना है मुझे, या हाँ जाना है, आप बताइए. यार देखो, मुझे मुझे अब ये था पहले कि मैं बिग बॉस के घर में जाना चाहता हूँ अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने के लिए, ऑडियंस के दिलों को दिखाने के लिए कि निशांत का दिल कैसा है, वो कौन है, क्या है. और मैंने वो किया, वो अचीवमेंट मेरी हो गई. मैं बाहर आ गया हूँ, पूरी दुनिया मुझसे इस वक्त मुझे यही कह रही है कि हमें आपके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि आप अकेले एक ऐसे इंसान थे जो घर में डिग्निटी के साथ खेल रहा था, जो फेयर था, जो अच्छा लग रहा था घर में देखने को. लेकिन अगर वापस जाने का मौका आता है तो अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो अब मैं कोई गेम के लिए नहीं जा रहा हूँ. अब अगर मैं जाऊंगा तो मैं सिर्फ ये पवित्रा, एजाज, जान, अगर वो बचा तब तक तो राहुल, राहुल भी खैर कुछ खास नहीं, राहुल मुझे फिर भी ओके लगता है, निकी, इन लोगों के बैंड बजाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकी एक एक सच्चाई बाहर निकलने के बाद पता चल चुकी है. उनका एक एक झूठ जो वो आपस में एक दूसरे को बोल के बैठे हैं वो भी समझ में आ चुका है. तो अब तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं सिर्फ सलमान खान जो कि होस्ट करते आ रहे हैं, लंबे टाइम से होस्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? सलमान सर इज अ कूल होस्ट, इज अ ग्रेट गाय, नो कंप्लेंट्स. आई थिंक बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं. ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट का शो है तो थोड़ा बहुत उनके तरीकों में कभी कभी हमारे लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, लेकिन ये बात सच है कि उनकी हर बात मतलब होता है. और वो कभी कभी भी कुछ भी अगर मजाक में भी कहते हैं आपसे तो उसके पीछे एक हिंट होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो या कहाँ सही जा रहे हो, तो आपको वो पकड़ना जरूरी है. So I think he's a great host and I have a lot of respect for him. Okay. Thank you, Nishant ji, हमसे बात करने के लिए. बहुत बहुत